वाराणसी के हुकुलगंज क्षेत्र में 6 महीनों से सीवर की समस्या का निदान न होने को लेकर क्षेत्र के भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास्तव धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार कई महीनों से सीवर की समस्या से क्षेत्रीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। धरने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम के डीके शुक्ला ने धरने को समाप्त करवाया। डीके शुक्ला द्वारा तुरंत काम शुरू करवाने पर धरना समाप्त हुआ। नगर निगम के उदासीनता के खिलाफ, नगर निगम के ये भ्रष्ट अधिकारी छोटी मोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे जनता बहुत परेशान है। और जनता की परेशानी को देखते हुए इनका कहना है कि हमने फाइल बना दिया है, स्वीकृत हो जाएगा, 4-5 मीटर पाइपलाइन बदलना है। ऐसे इसी तरह की समस्याएं हुकुलगंज में 7-8 गलियों में है, जहाँ केवल कहीं 7 मीटर, कहीं 10 मीटर, कहीं 12 मीटर, कहीं 2 मीटर पाइपलाइन ध्वस्त है सीवर लाइन की। उसको बदलना है, उसको बदल जाने से समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ये नगर निगम के निकम्मे अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करने की नीयत से आलसी हो गए हैं। ये मुझे लगता है कि ये अधिकारी विपक्ष से मिले हुए हैं और भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से तंग आ चुके हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा इनके ऊपर कड़ाई करती है, अधिकारियों की घुसखोरी बंद कर दी है। इसलिए ये लोग भाजपा को बदनाम करने के लिए विकास कार्यों से पीछे हट रहे हैं और जनता त्रस्त हो रही है। जब जनता त्रस्त होगी तो सरकार बदनाम होगी एकदम पूरी तरह से। जो भ्रष्ट अधिकारी अपने भ्रष्टाचार इनका रुक गया है, इनकी कमाई रुक गई है, इसलिए ये सरकार को बदनाम करने के लिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि हुकुलगंज में विगत 25 सालों से जिनकी भी जो लोग पार्षद रहे हैं, काम हम किए नहीं हैं और यहाँ समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और हमें यहाँ समस्या को निजात दिलाना है।